हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ मफ़िन्स घर पे इजी तरीके से। आप कैसे मफ़िन्स बना सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ कर्ड। कर्ड हम घर से भी ले सकते हैं, बाहर से ले रहे हैं, कर्ड ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ शुगर। शुगर डालेंगे, शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। शुगर और हम दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्ब्स ना रहे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा पाउडर। बेकिंग पाउडर को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें अब ऐड करेंगे 3/4 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर हमारे मफिन्स को फ्लफी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें ये दो चीज़ें तो डालनी है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बबल्स आ जाएंगे, तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर भी हम 1.5 कप ही लेंगे। जितना हम शुगर लेंगे उतना ही हम व्हीट फ्लोर लेंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए भी रखना है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। अब इसके बाद मैंने एक बनाना लिया है, बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैंने इस बनाना लेना, आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने ले लिया। अब बनाना को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया ताकि इसमें लम्ब्स ना रहे। अगर लम्ब्स रह जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम मैंने को बनाना को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो मैंने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया फोक की सहायता से। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस अच्छे से मिक्स हुए बनाना को अपने बैटर में मिलाते हैं। तो लीजिए, मैं अब इसको अपने बैटर में मिला लेती हूँ। अच्छे से इसको बैटर में मिला लेने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक ही जगह पर नहीं रह जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक जगह पे ना रह जाए। अभी मेरा घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे। अगर आपका घोल सही है तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मेरा बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऐड कर लिया। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है। अगर आपका बैटर गाढ़ा नहीं है तो आपको इसको ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको इसे गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपका बैटर एकदम स्मूथ बन जाए। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा होगा तो आपके मफिन शायद थोड़े टाइट बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये मिल्क ऐड किया। अब मैंने इसमें थोड़ी सी टूटी फूटी वाली चेरी भी ऐड कर ली है क्योंकि बच्चों को ये चेरीज बहुत अच्छी लगती है, ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें अब थोड़ी सी चेरीज ऐड कर ली है और थोड़ा कलरफुल भी हो गए हमारे मफिन्स। अब मैंने इसको इसमें डाल लिया मफिन्स के कप्स में। अब मैं इसके ऊपर से भी थोड़ी चेरीज डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल के भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और अब मैंने ओवन में 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए इनको मफिन्स को रख दिया है। अब ये इनको 10 मिनट्स मैंने टाइम सेट कर दिया है एंड इनको 180 डिग्री पर रख दिया है। थोड़ी देर बाद ये अब ये फ्लफी हो जाएंगे एंड ये फूल जाएंगे। देखिए अभी ये थोड़ा सा थोड़े भी बैठे हुए, अब थोड़ी देर बाद ये फूल गए अच्छे से एंड ये पक भी गए हैं। अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है एंड अब इनको मैं अपनी प्लेट में निकालूंगी। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है और अब मैं इनको देखिए कितने आराम, मैंने मफिन्स को बाहर निकाल लिया, देखिए कितने अच्छी तरीके से बाहर आए और कितने अच्छी तरीके से पक गए, एकदम इन्होंने अपनी किनौर छोड़ दी है। तो ये अब अच्छी तरीके से पक चुके हैं और मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। अब मैं इनको अच्छे से बाहर निकालने के बाद आप इनको ऐसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं चॉकलेट्स के साथ, इसके ऊपर आप क्रीम भी आप इस पर आइसिंग भी कर सकते हैं क्रीम के साथ, और आप इस पर है ना मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं और चॉकलेट कद्दूकस करके भी आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये और भी सुंदर हो जाएंगे और आप इस पर अच्छे से डेकोरेशन भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल इस वीडियो को लाइक कर दिया, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।